ही फियर्ड हर, ही फियर्ड फॉर हर। गाइस आपने सुना ये दो सेंटेंसेस, एक ने बोला ही फियर्ड हर, दूसरे ने बोला ही फियर्ड फॉर हर। क्या ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं या दोनों ही सेंटेंसेस गलत हैं? तो गाइस ये दोनों सेंटेंसेस सही, दोनों सेंटेंसेस सही हैं। क्यों, कैसे, और दोनों का मतलब बिल्कुल अलग अलग है। ही फियर्ड हर और ही फियर्ड फॉर हर, दोनों का मतलब बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। गाइस अगर फियर के बाद प्रीपोजिशन फॉर रखते हैं तो उसका मतलब बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। ही फियर्ड हर और ही फियर्ड फॉर हर। ही फियर्ड हर का मतलब ये हुआ कि वह उससे डरा हुआ था। ही फियर्ड हर, वह उससे डरा हुआ था। इसे इंग्लिश में हम मतलब ये हुआ कि ही वॉज अफ्रेड ऑफ हर, वह उससे डरा हुआ था। यहाँ पे गाइस अफ्रेड ऑफ भी यूज कर सकते हैं, तो ही वॉज अफ्रेड ऑफ हर, क्योंकि अफ्रेड एडजेक्टिव है तो उससे पहले इज़मार या वॉज वर आपको रखना है और अफ्रेड के बाद ऑफ भी लगाना है। तो खैर ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर बोलना कि ही फियर्ड हर मतलब वह उससे डरता था, डरा हुआ था, और अगर सेंटेंस ये बोला कि ही फियर्ड फॉर हर, ही फियर्ड फॉर हर, ही फियर्ड फॉर हर का मतलब क्या हुआ, वह उसके लिए परेशान था, वह उसके लिए चिंतित था। गाइस फियर्ड फॉर, अगर फियर के बाद फॉर लगाते हैं प्रीपोजिशन, इसका मतलब हुआ एंग्शियस फॉर, एंग्शियस फॉर, किसी के लिए फिक्रमंद होना, किसी के लिए चिंतित होना। एवरी मदर फियर्स फॉर हर चाइल्ड, एवरी मदर फियर्स फॉर हर चाइल्ड, हर माँ अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद होती है। मतलब इसे दूसरे सेंटेंस में हम ये भी बोल सकते हैं, एवरी मदर इज एंग्शियस फॉर हर चाइल्ड। दूसरा सेंटेंस है एवरी चाइल्ड फियर्स हिज मदर, एवरी चाइल्ड फियर्स हिज मदर, हर बच्चा अपनी माँ से डरता है। बिल्कुल पापा से डरे नहीं डरे, बट मम्मी से जरूर डरता है। एवरी चाइल्ड फियर्स हिज मदर, शी फियर्ड फॉर द लिटिल बॉय हु रैन अक्रॉस द रोड, वह छोटे बच्चे के लिए फिक्रमंद थी जो रोड के इस तरफ से दूसरी तरफ भाग कर गया। तो यहाँ पे गाइस फियर्ड फॉर का मतलब फिक्रमंद, इसकी जगह पर एंग्शियस फॉर भी लगाते हैं, लेकिन अगर एंग्शियस यूज करेंगे तो एंग्शियस के बाद फॉर तो प्रीपोजिशन रखना ही आपको, लेकिन उससे पहले इज एम आर प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए वॉज वर रखना जरूरी है। शी फियर्स फॉर हर चाइल्ड, या इसकी जगह पर ये बोले शी इज एंग्शियस फॉर हर चाइल्ड, ऑलमोस्ट मतलब सेम है। तो गाइस ये दो सेंटेंसेस है, दो वर्ड हमने आज सीखा, फियर एंड फियर फॉर। होप आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।